एक बार एक सर क्लास में आए और सारे बच्चों के हाथ में एक वाइट पेपर दे दिया। जब बच्चे ने उस पेपर की तरफ देखा और जब बच्चों ने उस पेपर को देखा तो उस पेपर के बीच में एक छोटा सा काला सर्किल बना था। अब जब सर ने पूछा, आपको इस पेपर में क्या दिखाई दिख रहा है? तब सारे बच्चों ने कहा कि सर, पेपर के बीच में एक काला सर्किल बना हुआ है। सर ने फिर से पूछा, बच्चों आपको इस पेपर में क्या दिख रहा है? बच्चों ने फिर वही कहा कि पेपर ने काला सर्किल बना हुआ है। सर ने फिर से पूछा और लगभग 10 से 15 बार सर ने पूछा कि बच्चों तुम्हें इस पेपर में क्या दिखाई दे रहा है? लेकिन बच्चों ने हर बार वही जवाब दिया, सर पेपर में काला सर्किल बना हुआ है। अब सर बोले कि बच्चों, मैंने तुमसे इतनी बार पूछा कि बच्चों तुम्हें इस पेपर में क्या दिखाई दे रहा है, तुमने हर बार उस छोटे से सर्किल के बारे में ही बताया। क्या तुम्हें उस छोटे सर्किल के बाहर एक सफ़ेद कलर का पेज नहीं दिखाई दिया? हम भी तो नहीं करते हैं ना यार, भगवान ने इतनी अच्छी खूबसूरत ज़िंदगी दी है, उसमें ज़रा सी प्रॉब्लम क्या आती है, हम उसे ही लेकर बैठ जाते हैं। ज़रा उस प्रॉब्लम के बाहर निकल कर देखो, बहुत बड़ी ज़िंदगी है। मैं आपसे फिर कहता हूँ कि ज़िंदगी में अगर कोई प्रॉब्लम आए तो उस प्रॉब्लम के बाहर निकल कर देखो और सोचो, जितना आप उस प्रॉब्लम के बारे में सोचोगे वह प्रॉब्लम उतनी ही बढ़ेगी। और मेरी ये बातें याद रखना, जिस इंसान ने प्रॉब्लम के वक्त मुस्कुरा दिया उसकी प्रॉब्लम आधी वैसे ही सॉल्व हो जाती है। ज़िंदगी में बस मुस्कुराते रहिए, प्रॉब्लम का क्या है, प्रॉब्लम तो आते जाते रहते हैं।